नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा डिक्टेशन है RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन, गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया आपदाओं के नाजुक दौर से गुजर रही है, महामारी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तो हम पहले से जूझ ही रहे हैं। अब नया अंदेशा इस साल पड़ने वाली भीषण गर्मी से मचने वाली तबाही को लेकर खड़ा हो गया है। वैसे तो यह खतरा पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन अपने देश के लिए यह ज़्यादा चिंता की बात इसलिए है कि हम कृषि प्रधान देश हैं। कुछ वर्षों से हम साल दर साल पानी की किल्लत से भी बुरी तरह जूझ रहे हैं। इसलिए विश्व स्तर पर हुए शोध सर्वेक्षणों में तापमान बढ़ाने को लेकर भारत को भी आगाह किया गया है। तीव्र गर्मी का अंदेशा अचानक पैदा नहीं हुआ। पिछले 2 दशकों से वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को लेकर आगाह कर रहे हैं कि बेजा औद्योगिक हरकतों के कारण बढ़ते कार्बन उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इससे नई नई आपदाएं पैदा हो रही हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ना उन्हीं संकटों में एक है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान ने मौसम की कुदरती चाल गड़बड़ा दी है। विश्वसनीय शोध निष्कर्ष है कि गर्मियां लंबी होने के लगी है और मानसून चक्र बिगड़ने लगा है। पैरा बढ़ते तापमान या हर साल बढ़ती लू के दौरों की संख्या का सीधा संबंध लू से मरने वालों की तादाद से भी है। भारत में 2015 में गर्मी की लपट से 2000 मौतें हो गई थी। वैसे पिछले 2 दशकों में गर्म हवाओं से हर साल सैकड़ों मौतें होती रही हैं। यानी अब जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट दस्तक दे चुका है। दरअसल भारत की चिंता हाल में आई एक रिपोर्ट ने बढ़ाई है। अमेरिका की ओक रिज लेबोरेटरी के वैज्ञानिक ने एक शोध पत्र में इस साल भारत के कई इलाकों में गंभीर लू की आशंका जताई है। इसमें कहा गया है कि भारत के कई प्रमुख कृषि आधारित राज्यों में लू के कारण मजदूरी और खेती का काम करना बहुत मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के साथ मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता जैसे बड़े शहरों के नाम भी शामिल हैं, जहां इस बार की गर्मियों में तेज लू का सामना करना पड़ सकता है। अब तक के शोधों के मुताबिक सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से नागरिकों पर स्वास्थ्य के खतरे 3 गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए नए शोध में वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण एशियाई देशों के लिए आगे के हालात अच्छे नहीं है। लिहाजा अगर हालात को बदतर होने से रोकना है तो पृथ्वी का तापमान कम रखने के उपाय करने के अलावा कोई और चारा है नहीं। पैरा मानव शरीर पर गर्मी का सीधा असर देखें तो ज़्यादा तापमान में बने रहने से शरीर को ठंडा रखने का कुदरती तंत्र गड़बड़ा जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अगर मौजूदा महामारी के लिहाज से देखें तो चिकित्सा शास्त्रियों ने पाया है
कि लू से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटती है। इसीलिए गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को लू से बचाकर रखने की ज़रूरत पड़ती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB में दर्ज प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों के कारणों में तीसरे नंबर पर लू ही है। जाहिर है अगर जबरदस्त लू का अंदेशा जताया जा रहा है तो हमें अपने संवेदनशील नागरिकों के बचाव की तैयारियां पहले से करके रखने में लग जाना चाहिए। विराम। एक बड़े अंदेशे के मद्देनज़र इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि भारत का लगभग आधा भूभाग मार्च से लेकर जून तक के अंतराल में गर्म हवा के थपेड़े झेलता है। कभी कभी यह दौर जुलाई तक भी खिंच जाता है। उत्तर भारत में हर साल औसतन 5 से 6 लू के दौर आते हैं। कई बार लू की मियाद एक हफ्ते तक खिंच जाती है। गौरतलब है कि भारत में लू मई के महीने में चरम पर होती है। पैरा। बेशक पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों के अपने अपने भूगोल हैं। सर्दी और गर्मी की असामान्य तीव्रता के पैमाने भी अलग हैं। इसलिए इस सिलसिले में हमें भारतीय परिस्थितियों पर लगातार नज़र रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। विराम। इस बारे में भारतीय मौसम विभाग के पैमानों के अनुसार अगर मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू चल पड़ती है। वहीं समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में जब अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो लू बन जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के हालात में अगर तापमान में आधा डिग्री का इजाफा होता है तो लू का प्रतिकूल प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सन 2040 तक यह 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। इससे उन देशों की स्थिति ज़्यादा गंभीर होती जा रही है जिनकी ज़्यादातर आबादी खेती या मजदूरी करती है। भारत इसी श्रेणी में है। इसीलिए नई रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई देशों को लेकर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में इस तरफ भी ध्यान दिलाया गया है कि इन देशों के शहरों में बहुत कम लोगों तक एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं पहुंच पाई हैं। इन इलाकों में रह रही 60% आबादी खेती और मजदूरी में ही लगी है। उसके पास लू से बचाव का कोई विकल्प नहीं है। पैरा। भारत में पिछले कुछ सालों में हुए जलवायु संबंधी कुछ अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने पाया है कि पिछले 4 दशकों में लू लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी बढ़ोतरी इस सर्दी के पहले दशक खास तौर पर 2002 से 2012 के दौरान दर्ज की गई। देश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में अधिकतम तापमान वाले दिनों की संख्या भी बड़ी है। इसी सिलसिले में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने 2015 में एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया था। उस अध्ययन से निकलकर आया था कि 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से संबंधित मौतों का आंकड़ा 70% बढ़ सकता है और सदी के अंत तक
6% ताप बढ़ने से मौतों की दर 140% बढ़ने का अंदाशा है। विराम। ये आंकड़े निकट भविष्य में एक बड़ी आपदा की ओर इशारा कर रहे थे। हाल ही में आई नई रिपोर्ट पर गौर करें तो यह संकट वक्त से पहले ही आता नजर आ रहा है। हमें यह मान लेने में संकोच नहीं करना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन की समस्या को लेकर देश में सजगता अब भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लगता है कि इसे हम अभी भी दूर की बात मानकर चल रहे हैं। ऐसा कहने का आधार यह है कि पिछले एक दशक में लू से हजारों मौतों के बावजूद अभी भी लू को राष्ट्रीय आपदा का दर्जा नहीं दिया गया है। सरकारी स्तर पर इसे सूखे के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। यह अच्छी बात है कि कई वायुमंडलीय विशेषज्ञ इस समय लू संबंधियों से निपटने के लिए नीतिगत ढांचा बनाने का सुझाव दे रहे हैं। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।